गाइस यार, अगर आप लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना गूगल एडसेंस के अप्रूवल के भी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। इनफैक्ट गूगल एडसेंस से जितना अर्निंग होता है उससे कई गुना ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। इसका प्रूफ भी वीडियो में बताऊंगा और काफी अच्छा एक गूगल एडसेंस ऑल्टरनेटिव है आपके लिए, वो भी आपको बताऊंगा। तो बस यार, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। 3K सब्सक्राइबर्स हमारा है यार अभी का टारगेट, तो कर देना। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आप लोगों को हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसको ओपन कर देना। जिन लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ओपन नहीं करना है, सिंपली सर्च कर देना इंटरनेट वाला दोस्त .in, आपके सामने ये वाला आर्टिकल ओपन हो जाएगा। जिनको ये वाला आर्टिकल ओपन नहीं होगा, सिंपली यहाँ पे जाकर सर्च कर देना एडसेंस ऑल्टरनेटिव, आप लोगों को मिल जाएगा। आपको सिंपली रीड मोर पे क्लिक करना है। जैसे रीड मोर पे क्लिक करोगे और आपके सामने ये वाला आर्टिकल शो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इस आर्टिकल को रीड कर लेना, बट आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या है इस एडसेंस ऑल्टरनेटिव की, यूनिक कंटेंट में क्या है यार, आप लोग कुछ भी कंटेंट डालो, बस आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, उस पर अप्रूवल मिल जाता है काफी इजिली। मेरे को तो यार कॉपीड कंटेंट में भी अप्रूवल मिला है, तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूनिक यार मैंने फालतू में बस लिख दिया है, एंड आप लोग को बस कुछ ना कुछ कंटेंट आपकी वेबसाइट में होना चाहिए थोड़ा बहुत। ट्रैफिक क्या यार, अगर आपका ट्रैफिक आ रहा है नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, अप्रूवल मिल जाएगा। किसी भी डोमेन पे आप लोग अप्रूवल ले सकते हो, काफी अच्छा फीचर है ये, राइट। देन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जैसे कि इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है, तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा आपको 24 घंटे के अंदर ही, कुछ केसेस में 3-4 घंटे भी ले लेगा। और इसको कोई भी वेबसाइट अपनी जो लगा सकता है, चाहे मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट हो या फिर कोई। जब हम लोग गूगल एडसेंस की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है यार, हम लोग यार मूवी डाउनलोडिंग वेबसाइट या फिर जो भी क्रैक्ड वेबसाइट होते हैं जिसमें हम लोग कुछ हैकिंग रिलेटेड चीजें डालते हैं, तो उस पर अप्रूवल नहीं मिलता है, बट इस केस में मिल जाता है अप्रूवल। इसका इंटरफेस भी काफी सिंपल है और जो पेमेंट है वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है यार, मिनिमम विड्रॉ दैट इज ओनली $5 और गूगल एडसेंस में $100, उसमें काफी ज्यादा झंझट भी होती है। जैसे सबसे पहले एड्रेस वेरीफाई करना पड़ता है, काफी सारी डिटेल्स देनी पड़ती है गूगल एडसेंस को, तब जाके काम हो पाता है। CPM की बात करें, CPM इसका कम रहता है, बट कभी कभार यार $1 से $2 मिलता है। मेरे को इससे $2 से भी ज्यादा मिला है CPM, जो कि गूगल एडसेंस में मेरे को आज तक नहीं मिला है। तो इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे में कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। अर्निंग की बात करें तो यार अर्निंग आप लोग इससे काफी ज्यादा कर सकते हो। सिंपल यार, आपको एक चीज फॉलो करनी है, रेगुलरली वर्क करना है, कभी वर्क अपना जो छोड़ना नहीं, भले आप लोग कॉपीड कंटेंट लिख रहे हो, राइट। सिंपली जब आप लोग सारी चीजें पढ़ लो, सिंपली आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हो, आपके सामने वाला वेबसाइट लोड हो जाता है। आप लोग बोलोगे पॉप एड्स, ये तो हर बंदा बताता है, बट मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ गाइस, जो पॉप एड्स है उसके आपको कुछ सीक्रेट चीजें नहीं बताता है कुछ, जो कि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको किस तरीके से यूज करना है वो भी बताऊंगा, साथ में बताऊंगा मेरी इतनी अर्निंग कैसे हो गई इससे। मैं व्यू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ और एक चीज बता देता हूँ, इसको मैं यार काफी महीनों से यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो यार $1 कैसे आया, है कि नहीं, $1 आया कैसे, वो भी बताऊंगा। बट ये देखो, मैंने इससे अभी तक $6.16 का पे आउट ऑलरेडी ले चुका हूँ। दैट मीन्स ये वेबसाइट पेमेंट तो करता है। काफी लोगों को मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियो बना रखी है कि पॉप एड से पेमेंट नहीं आया, यार आ जाता है, एक हफ्ते के अंदर ही आ जाता है, मेरे केस में तो आ गया। हो सकता है कुछ लोगों में टाइम लग गया हो तो लोग वीडियो बनाने लगे, इसको क्रिटिसाइज करने लगे, बट देखो यार प्रूफ आपके सामने, अब कौन सच बोल रहा है वो तो आप लोग जान ही सकते हो। करंट बैलेंस में देखोगे तो मेरा $1 है, समझ रहे हो, और मैं इसको आपको ऑलरेडी बता दिया काफी महीने से यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यार यहाँ पे नीचे हो गए तो टुडे देखो, मैं आपको सिंपली पहले ट्रैफिक दिखा देता हूँ। ये आज का मेरा ट्रैफिक है, देख सकते हो मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं कर रहा हूँ। आज सिर्फ 7 ट्रैफिक आए हैं, दैट्स इट, ठीक है। और मेरी अर्निंग कितनी हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, $0.010। देखा जाए तो ये ज्यादा इतने ट्रैफिक के लिए, प्रूफ करूं, ये देखो रेट 2 से ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं। अगर मेरे वेबसाइट पे 1000 लोग आ जाए इस वक्त, आज अगर देखा जाए तो मेरे को उसके बदले $2.13 मिलने चाहिए यार, और गूगल एडसेंस में इतना नहीं मिलता है। आप लोग बोलोगे तेरे को कैसे पता गूगल एडसेंस में नहीं मिलता, तो यार ये देखो, ये मेरा वेबसाइट है, ट्रैफिक देखो इस पे कितना है, और मेरा नॉर्मल वेबसाइट है यही, ये वाला, और इस पे अप्रूवल है मेरे पास गूगल एडसेंस का, वो अलग बात है। अभी मैं इसको फिलहाल यूज नहीं कर रहा हूँ, देख सकते हो आज इतना ट्रैफिक आया, कल इतना आया, और इस महीने सिर्फ इतना सा आया,
पहले काफी अच्छा खासा ट्रैफिक आता था यार, बट मेरे को अपनी वेबसाइट छोड़नी पड़ी कुछ रीजंस की वजह से। बट देख सकते हो यार, 1 लाख तक का ट्रैफिक है ऑलमोस्ट, पर मेरे गूगल एडसेंस पे सिर्फ एक वेबसाइट नहीं, काफी सारी वेबसाइट है, तो वो सब मिला दो तब जाके $10 बन रहा है। तो उसका कोई मतलब नहीं है यार इतना कम अर्निंग का गूगल एडसेंस से। अब मैं दोबारा गूगल एडसेंस को अपनी वेबसाइट में लगा के स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी क्या रिजल्ट आते हैं। बट अभी तक तो गूगल एडसेंस के साथ मेरा उतना कुछ अच्छा रहा नहीं है, ठीक है। बट पॉप एड्स के साथ देखोगे यार, पेमेंट भी मिल चुका है, काफी अच्छा खासा रेट भी प्रोवाइड कर रहा है। बट मैं बता देता हूँ, ये रेट फिक्स नहीं होता, बहुत ज्यादा वेरी करता है। चलो यार, मैं आपको एक थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूँ। मैं रिपोर्ट्स पे चलता हूँ एंड इन रिपोर्ट्स मैं आपको सिंपली जनरेट करके दिखा देता हूँ, काफी ज्यादा वेरी करता है। वहां पे देखो $2 आपको मिल रहे थे, बट कभी कभार यार इतना कम भी मिल सकता है, तो ये काफी ज्यादा चेंज करता है। तो इस पर टोटली डिपेंड मत रहना, अगर आपका अच्छा ट्रैफिक आ रहा है तो ज्यादा अर्निंग होगी, बेकार ट्रैफिक आ रहा है तो कम अर्निंग होगी, राइट। सो अब इस वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं वो बता देता हूँ। तो यार सिंपली आपको यहाँ पे न्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ जाता है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। देन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, साइट का नेम, आपका जो भी साइट का नेम है वो डाल दोगे, URL डाल दोगे, साइट का डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, ये तो सब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज चूजिंग कैटेगरी। सो कैटेगरी में क्या है, यहाँ पे काफी सारी कैटेगरी आ जाते हैं, आपको डिपेंड करता है आपका वेबसाइट जिससे है, आपको जिट्टो वैसे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना ये वाला वेबसाइट, इसके लिए अगर सिलेक्ट करना होगा, देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें ढूंढूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये रहा कंप्यूटर्स, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई चीज चूज कर लूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों को कैटेगरी चूज करनी, देन आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एड कर देना, दैट्स इट, आप लोगों का काम हो जाएगा। देन जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगेंगे, देन आपको सिंपली यहाँ पे कोड जनरेटर पे क्लिक कर लेना है। अब आप लोगों का अगर वेबसाइट अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का नाम दिखा देगा, जैसे ये वाला वेबसाइट मेरा अप्रूव हुआ है। देन आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है एंड यू विल फाइंड ऑप्शन ऑफ जनरेट कोड, इसको सिंपली जनरेट कर देना है। जब आप लोग जनरेट कर दोगे, यहाँ पे भी कुछ आपको छेड़ना नहीं है, सिंपली यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर लिया, अब आपको अगर ब्लॉगर में जाके सिंपली इस कोड को पेस्ट करना है, जिस तरीके से आप लोग गूगल एड्स का कोड पेस्ट करते हो। एंड जिन लोगों को नहीं पता एड्स कैसे पेस्ट करते हैं, तो काफी सिंपल सा मेथड होता है, आप लोग यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप ये वेबसाइट आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। जिन लोगों को ज्वाइन करना है, वेबसाइट है मेरा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ये वाला आर्टिकल ओपन करो, ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर लो। एंड जिन लोगों को पसंद है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी, हैव अ नाइस डे।